कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसका पालन करेंगे तो 2 मिनट के अंदर हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, आप याद कर लेंगे और रचनाएं भी आपको याद हो जाएगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं और इस वीडियो में भी बताऊंगा, किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले उनके जन्म की तारीख लिखिए और फिर जो है वो किस ज़िले में और किस प्रदेश में जन्म लिए थे ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में लिखिए और लास्ट में उनके मृत्यु लिख दीजिए। तो ये बात हो जाती है जीवन परिचय की, जो कि संक्षेप में यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया भी है। फिर साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे, देखिए साहित्यिक परिचय में उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या किया है, ये साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। और लास्ट में आप जो है इनकी रचनाएं लिखेंगे। और ये जो है अगर ऐसा कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति का जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप जो है आराम से लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा स्टार्ट करते हैं हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय की। ठीक, तो जीवन परिचय में लिखोगे हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। तो इतना तो आप लगभग हर लेखक के लिए बोलते हो, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी मध्य प्रदेश में ही हुई है और ये नागपुर जाकर जो है अपना एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक, उसके बाद 10 अगस्त 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात 10 अगस्त को जो है ये 1995 में ये मृत्यु इनकी हो गई थी, अर्थात जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये हो गया जीवन परिचय, में एक बार फिर से बताना चाहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। 10 अगस्त सन 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब बात करेंगे जीवन परिचय के बाद हम लोग जो है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय जो है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर का जो है दृष्टि आप पर बने और आपको पूरा नंबर दे दे। क्या लिखा है, परसाई जी हिंदी व्यंग के जो है आधार थे, जो हिंदी व्यंग था उसमें परसाई जी जो है प्रमुख केंद्र माने जाते थे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि परसाई जी हिंदी व्यंग के जो थे वो क्या थे, आधार थे। और आगे ध्यान दीजिए, इसी में लिखा है इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों से पर्दा हटाया। विकलांग श्रद्धा का दौर, इस ग्रंथ पर इन्हें अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। एक इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर इन्हें अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें कथाकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की, मतलब इन्होंने जो है कथाकार, निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। आई होप कि आपको साहित्यिक परिचय भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना ही लिखिएगा आपका काम बन जाएगा। अब अंत में चलते चलते एक चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, इनकी प्रमुख रचनाएं मतलब हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। इन्होंने कहानी लिखी हैं जो कि यहाँ पर आपके हैं, कुछ कहानियाँ यहाँ पर हैं, उपन्यास कुछ हैं यहाँ पर, और निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा जो कि यहाँ पर है। ठीक, इनकी कहानी क्या है, कहानी संग्रह में जो है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद उपन्यास में बात करें रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। और अगर बात करें निबंध संग्रह की तो निबंध संग्रह में इन्होंने तब की बात और थी, ये इन्होंने लिखा है। भूत के पांव पीछे, ये इन्होंने लिखा है। बेईमानी की परत और पग डंडियों का जमाना, और उसके बाद सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझसे भी है अंत में, शिकायत मुझसे भी है अंत में, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।